नाम रखता हूँ, और ये हलदर भी होगा इसका नाम, और भी बहुत से नाम होंगे, हल के द्वारा ये इसका हथियार होगा, इसका नाम बलराम हो गया। अब और ये बड़ा है, रोहिणी का पुत्र है। ये बात कहते ही सौदा तो एकदम खुश हो गई। अरे जानकार है पंडित जी, तो भाई जान गए ये बड़ा है, और अपने गले के तो सोने का हार था वो दे दिया दक्षिणा में। अब इधर तिजरोनी की गोद में बैठे थे जो लाला गोद में थे, उनको देख करके गर्गाचार्य की समाधि लगी, आंखें खुली की खुली रह गई और प्राण भी बंद हो गए। अब यशोदा मैया ने रोहिणी ने देखा, रही अपने पंडित जी का क्या हो गया, तेरा मन क्या हो गया, आंख खुली है जो आ गया है, देखे सांस भी को नहीं आ रही है, तो पधार गया, मर गया है तो। अरे पंडित जी मरना ही था तो मारा घर क्यों मरे, आगे बार ना मर जा रखे, पधार गया है, जोर तो लाल आया था ताकि चकोड़िया तो देख तुम समाधि टूटी, क्या बात है पंडित जी आप क्या होगी, क्या हो गया था, मेरा तो कुछ नहीं हुआ ना पंडित जी महाराज, आपकी आंख खुली थी, सांस ही कौन चल रहा था, नाड़ी बंद हो गई थी। आप मन में विचार किया तो बतानी पड़ेगी न साथी बात क्या हुआ, आपका जो ये लाला रोहिणी की गोद में है, ये ना नारायण कहने वाले थे, भगवान ने गर्दन हिला दी, ना 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 बता मत दियो, हम यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, कदे भगवान बना के छोड़ दो, भगवान का के हाल है तबने बेरा ही है, मैं भगवान बनने आए यहाँ, आजकल कलयुग में तो भगवान की मूर्ति शीशा का मैं फिट करते हैं, हर बार कोड़ पार्टी पुर्टी में जावा एक गिलास दूध कर देते, ले ठाकुर जी आ जा तो दूध में काम चला ले, हम तो रसगुल्लो खा के आवा, ये हाल है अलमारी फिट, तो मैंने अलमारी फिट को नहीं होना बताना दिए। आप बदल गए गर्गाचार्य एकदम, कहने के आपका जो लाला है ये नारायण से कम नहीं है, और ये इतना बलशाली होगा संसार में इससे बलशाली कोई है ही नहीं, बहुत बड़ाई करी यशोदा मैया, करने लगी ज्यादा बड़ाई करने की जरूरत नहीं, ये बताओ मेरा लाला योद्धा कैसा का हुआ, सूरवीर होगा। कहने लगे मैया आपके भाव को मैं नमस्कार करता हूँ, आपका लाला इस संसार में इससे सूरवीर कोई और है ही नहीं, अच्छा अच्छा बड़ी भारी दक्षिणा दे, इस प्रकार से नाम संस्कार किया, और ये आकर्षण करने वाला होगा, सबको आकर्षित करेगा अपनी तरफ, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं, कृष्ण का मतलब है आकर्षण, अपनी तरफ ध्यान को खींचेगा, ये इतना सुंदर है, इसलिए वैसे इसके नाम और भी बहुत पड़ेंगे, गोपाल भी होगा, नंदलाल भी कहेंगे, यशोदा लाल भी होगा, और कन्हैया भी बोलेंगे, इस प्रकार से इसके बहुत से नाम होंगे समय समय पे, मगर इसका नाम जो है मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ, इस प्रकार से नाम संस्कार हुआ। श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे, 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 अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, के रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, के रसना राधे राधे बोल, रसना
राधे राधे बोल 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 सतगुरुदेव भगवान की जय भागवत भगवान की जय। अब लाला जो है 5 वर्ष के हो गए धीरे धीरे। अब एक दिन लाला का मैया ने बड़ा श्रृंगार किया, मुकुट लगाया, धोती पहनाई, कुर्ता पहनाया, चंदन लगाया, श्रृंगार करके जा रही थी उंगली पकड़े। अब क्या था, अपना श्रृंगार हुआ देख करके लाला नाचने लग गए। अब नाचने लगे तो यशोदा मैया को बड़ा आनंद आया, अरे मेरे लाला को तो नाचना भी आता है। अब ताली बजाने लगी, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। नचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, हर की मैया नचावे हर की मैया। अरे नचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचे नंद लाल नचावे हर की मैया, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब नाच रहे हैं नंद, नंद के लाला मैया ताली बजा रहे हैं। ये जो है एक दृश्य गोपी ने देख लिया, श्रुति नाम था गोपी का, वो जा रही थी, उसने देखा, अरे लाला इतना सुंदर नाच रहा है। दर्शन करके एकदम आनंद हो गया और सारी गोपियों को कहा, अरे मैंने आज तो नंद के आंगन में ब्रह्म को नाचते हुए देखा, वो लाला इतना सुंदर नाच रहा था, मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। अब सारी की सारी गोपियों ने विचार किया, भई हमें भी देखना चाहिए ये तो। अब सारी गोपियों ने विचार किया तो देखे तो दर्शन करे तो करे कैसे। अब प्लान बनाया उन्होंने, सारी गोपियां इकट्ठी होकर के कहने लगी, ये सासू है ना, ये हमें जाने नहीं देगी, रोकेंगी ये, क्योंकि ये सासू हो ना, इनका दिमाग थोड़ा सा कई बार थोड़ा टिक दिया तो फिर ये टोका टाकी करे तो के करना, अपने यूं करो अपनी मटकी फोड़ दे, सारी फोड़ के और उसका नाम लगा देंगे पलान घड़िया, और फिर बन सके बात। और उन्होंने सारी मटकी तोड़ दी। वो सासू माँ आई, अरे ये मटकी किसने तोड़ी, किसने के तोड़ी, वो नंद का लाला आया था उसने तोड़ दी। अच्छा, उस नंद के लाला को इतनी हिम्मत हुई कि हमारे घर की मटकी तोड़ दी, मैं तो जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। और तभी जाके उसने कह गया बुलाना दे उसने जाके। अच्छा, आप और गोपियां ने कहते हैं ये दावा दी, ठीक है सासू माँ अभी जाती है, हम बताती हैं उसको। वो तो बड़ा उत्पात करने लगा, कभी मटकी फोड़ दे कभी मक्खन खा दिया। अब जाकर के सारी की सारी गोपियां खड़ी हो गई यशोदा मैया के दरवाजे पे, और देखा झुंड का झुंड खड़ा है। इधर लाला ने देखा, रही ये पता नहीं क्यों आई है आज, मेरी ख्याल में शिकायत करने आई है। यशोदा करने की बहना बताओ कैसे आना हुआ, क्यों तेरा लाला कहाँ है बता, लाला तो अंदर है उसके बाहर निकाला, हम बताएंगे उसको क्या हुआ, क्या क्या हुआ, उन्होंने वो बड़ा उत्पात मचा रखा है।
और सारी मटकियां तोड़ दी हमारी। इतनी देर में लाला आ गया, कहने के मैया झूठ बोल रही है, सारी झूठ बोल रही है, मैंने कोई मटकी नहीं तोड़ी। नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रही, सारी मटकियां तोड़ दी, जाके देख लो। और ये ही नहीं, वो तो और भी बड़े उत्पात बताता रहता है, हमारे मक्खन की चोरी कर लेता है, एक मंडली बना रखी है, पूरी मंडल बना रखे हैं, जितने मक्खन खावे उतना खावे, और यानी छोटे भी को बाकी बंदरा नहीं खिलाते। आज उन्होंने दर्शन किया तो कहने कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी, अब की बार ऐसा नहीं करेगा, ये बड़ा उत्पाती हो गया है, तो मैं थोड़ा समझाऊंगी, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने घर, मैं इसको समझाऊंगी। तो समझा रही है मैया अपने लाला को, तेरे रोज उलाने आवे रे नंद मुरली वाले, तेरे रोज उलाने आवे मन मोहन मुरली वाले, कन्हैया तेरे रोज उलाने आवे रे मन मोहन मुरली वाले, मन मोहन मुरली वाले, मन मोहन मुरली वाले, तेरे रोज उलाने आवे रे मन मोहन मुरली वाले, श्याम तेरे रोज आवे मन मोहन मुरली वाले। दूध दही का करके बहाना